कार्ड याद है आपको? वन तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मैजिशियन मनोज जैन का वो कार्ड ट्रिक जिन्होंने परफॉर्म किया था हुनरबाज में, जो कार्ड राइजिंग करके दिखाते हैं, सिलेक्शन वाली कार्ड को राइज करके दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा सा ट्रिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ये पसंद आएगी। सो दोस्तों सबसे पहले मैं ये ट्रिक एक बार करके दिखाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि ये ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास एक ताश की गड्डी है और सारे के सारे कार्ड अच्छे से मिक्स्ड हैं, फिर भी मैं यहाँ एक सफल दे देता हूँ ताकि सारे के सारे कार्ड और अच्छे से मिक्स हो जाएं, राइट। दोस्तों यहाँ एक ऑडियंस की ज़रूरत होगी, ऑडियंस एक कार्ड सेलेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से रिफ़िल करते जा रहा हूँ, ऑडियंस अगर यहाँ स्टॉप बोलती है तो ये ऑडियंस की सिलेक्शन वाली ये कार्ड हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ऑडियंस ने यहाँ स्टॉप बोला, ठीक है, तो ऑडियंस की सिलेक्शन वाली कार्ड ये है, मैं नहीं देख रहा, आप देखो, मैं नहीं देख रहा, ठीक है। उसके बाद इस कार्ड को मैं इस तरीके से रख देता हूँ। सो दोस्तों मेरे पास यहाँ मैंने लिया है एक नोटबुक और स्केच और सिलेक्शन वाली कार्ड को बनाने की कोशिश करूँगा, उसका ड्राइंग बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं फटाफट इसका ड्राइंग बना देता हूँ। ओके, ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मनोज जैन ने दिखाया था, काफ़ी अच्छा वो ट्रिक है। ओके, मैं फटाफट एक ड्राइंग बना लेता हूँ, राइट। ओके ओके, सो दोस्तों फाइनली सिलेक्शन वाली कार्ड का मैंने ड्राइंग बना लेकर रखा है। देखिए शायद यही कार्ड है, नहीं ये कार्ड नहीं है। ओके, तो चलिए एक इस पर मैजिक करते हैं। ओके, एक स्नैप और ये देखिए इसमें से एक कार्ड निकल के आ रहा है। ओके, होप ये कार्ड यही थी, राइट, एस ऑफ स्पेड। ओके, अच्छे से फाड़ के दिखा सकता हूँ कि ये कार्ड एस ऑफ स्पेड ही था, राइट, जो कि फोर ऑफ स्पेड में से निकल के आया है और इसमें देख लीजिए ये कार्ड यही था। सो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ ये ट्रिक कैसे किया जाता है। सो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए एक नोटपैड, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों तरफ से फोल्ड हो सके, राइट, आप देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले एक कार्ड को लेंगे, ठीक है, उसको शेप में काट कट करेंगे, मतलब प्लेइंग कार्ड के शेप में कट करेंगे और जिस कार्ड को फोर्स कराना है उसको यहाँ लिख लेंगे इसमें। जैसे कि एस ऑफ स्पेड को फोर्स कराना है तो एस ऑफ स्पेड को इस तरीके से ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बीच में दो धागे भी लगे हुए हैं, ठीक है, इधर और इधर। फिर क्या करेंगे कि एक और स्केच बनाएंगे एक पेपर पे, ठीक है, इस पेपर पे कोई भी रैंडम आप कार्ड का स्केच बना लें, इस केस में एस फोर एफ स्पेड है, और चारों तरफ से इस तरीके का बॉक्स भी बना दें। बॉक्स बना देने के बाद दोस्तों यहाँ से आप कट कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दें, ठीक है, आप देख सकते हो, मैं दिखा दूँ ये कटा हुआ भी है, राइट। ओके, मैं दिखा दूँ अच्छे से, ये आपका कटा हुआ भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये कटा हुआ है, और जो कटा वाला पोर्शन है उसको इसमें डाल देना है। ध्यान रहे कि आपको एक धागा लेना है और धागा से इसके टॉप पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हो पेस्ट किया हुआ है, राइट। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप दो छेद करेंगे ताकि जो हम कार्ड इंसर्ट करें इस तरीके से, ठीक है, कार्ड इसमें डाल दें और धागा को दो छेद करने के बाद, ठीक है, दो छेद करने के बाद ये पीछे से इस तरीके से निकाल दें, ठीक है, पीछे से इस तरीके से आप निकाल दें, राइट। ये देखिए धागा यहाँ से निकला हुआ है, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ डाल के फिर अंदर ले जाना और यहाँ से इस तरीके से निकाल देना है ताकि आप इसको खींचेंगे तो ये मतलब राइज होता हुआ दिखाई देगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके ऊपर एक कार्ड मतलब एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे एक और स्केच बनाना है, वो इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है, इसको बना देना है। ओके, इस तरीके से फोर ऑफ स्पेड का यहाँ ड्राइंग बना देना है, ठीक है, इसी में से एक और कार्ड को निकालेंगे, ठीक है, यहाँ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से, राइट,
और यहाँ हम लोग एस ऑफ स्पेड बना देंगे इस तरीके से। स्पेड बनाने के बाद इसको इस तरीके से अब परफॉर्म करना है, ठीक है। पहले दोस्तों आपको एक डेक ऑफ कार्ड लेना है और जो हमारा एस ऑफ स्पेड है इसको टॉप पे रखना है और स्लिप फोर्स करानी है। तो स्लिप फोर्स जनरली ये होता है कि इस तरीके से डेक पकड़ेंगे और पिंकी और इंडेक्स फिंगर की मदद से यहाँ क्लिप करेंगे, इसको इस तरीके से रिफिल करेंगे जैसे ऑडियंस स्टॉप बोलती है, ऊपर वाली कार्ड को छोड़ के, मतलब एस स्पेड को छोड़ के ये कार्ड निकाल लेंगे और ये वाली उनकी फोर्स कार्ड हो जाएगी। तो इसको आप तेज़ी में करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा लाइक कि इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं और बताऊँ, टॉप पे हमारा एस ऑफ स्पेड है, ऑडियंस ने यहाँ स्टॉप बोला, ओके आप देख सकते हो ये फोर्स वी कार्ड है। तो एस ऑफ स्पेड यहाँ हो गए और हम लोग ने ड्राइंग दोनों बना के रखा है, ठीक है। यहाँ एस ऑफ स्पेड देख सकते हैं यहाँ यहाँ, और ये कार्ड है। ये आपको क्या करना है कि एक मतलब नोटबुक में पीछे घूम के एक ड्राइंग, मतलब केवल हाथ का जेस्चर होना चाहिए ताकि लगे कि कोई ड्राइंग बन रहा है, और आप फोर ऑफ स्पीड इस तरीके से बना देंगे और ऑडियंस को दिखाएंगे कि ये आपका कार्ड है, ठीक है, राइट। ऑडियंस बोलेगी कि नहीं ये मेरा कार्ड नहीं है। तो अब क्या करना है कि पीछे धागा जो है, ये धागा है, इसे आपको इस तरीके से अपनी ओर खींचना है, राइट, ताकि कार्ड यहाँ निकल के आ जाए। अब दोस्तों यहाँ जब कार्ड निकल के आ जाए तो इस पेज को लेना है, ठीक है, और इस पेज को मतलब यहाँ तक ले जाना है और जो हम ड्राइंग बनाए हैं ये वाला पेज, मतलब इसका सॉरी ये वाला पेज देख सकते हो, ये वाले पेज, ठीक है, मतलब इसको यहाँ, मतलब इसको ले जाना है, ठीक है, और वापस से यहाँ ला के इसको मतलब यहाँ इस तरीके से फाड़ के दे देना है ऑडियंस को। सो दोस्तों काफ़ी ट्रिक सिंपल है, होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, एंड पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।